हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल समायरस दुनिया ब्लॉग। और आज मैं अभी रेडी नहीं हुए हैं, हम रेडी होंगे पक्का। और अभी हम बना रहे हैं दाल का पकौड़ा, क्योंकि दाल पिसा हुआ है, भूख लगा हुआ है, क्योंकि भूख लगा हुआ है और भात खाने का टाइम हो गया है। तो भात खाने का टाइम हो गया है इसीलिए तो जल्दी से पकौड़ा बना लें। और आज का खाना सिंपल बनाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। 2 दिन से सब्जी खा रहे हैं, तो 3 दिन 4 दिन से सब्जी खा रहे डेली। तो गर्मी ज़्यादा हो रहा है, तो बाबू को मन करता है गर्मी में कुछ कुछ चीज़ सिंपल खाना, जैसे दाल का पकौड़ा कंटिन्यू रहता है। आम आया है, चटनी पीछे नहीं है, एक आम आया पता, पीसने वाला चटनी खाना था पर हम नहीं बनाए, क्योंकि मेरा काम हो चुका था, सब चीज़ किचन का सब काम हो चुका मेरा। बस ये पकौड़ा फ्राई करेंगे और हम लोग खाएँगे, भात खाएँगे। बस बाबू खा रही है, आम आया खा रही है। और इसमें मसाला डाल रहे हैं, जीरा मरीच हल्दी और प्याज काटेंगे अभी। तो बस प्याज काटेंगे, मिलाएंगे और बनाएंगे भात। बनाऊंगे बस भात खाएंगे। एक छोटा सा प्याज देंगे, एक तो बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। सुबह में टिफिन ज़्यादा कुछ अच्छा किए नहीं, एक ठो रोटी खाते पता है, सुबह टिफिन में एक ठो रोटी खाए थे ना, इसलिए भूख लग गया। और ये मिर्ची काट रहे हैं और एक प्याज काट रहे हैं और दाल में मसूर का दाल मिक्स करेंगे, बनाएंगे। पहले फटाफट खाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे। रेडी बिना खाए करेंगे ना तो फिर हम भी वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए पहले खाना खा लें, उसके बाद फिर रेडी होंगे। बाबू भी काम में चले जाएंगे, देखिए बाबू के साथ जल्दी जल्दी फिर वीडियो बना पाए। बाबू का टाइमिंग बढ़ गया काम, इसीलिए बाबू नहीं रह पा रहे। और कोशिश करेंगे कि हम बाबू के रहते में कुछ जल्दी जल्दी करें, इसीलिए जल्दी से बाबू नहा रहे। तब तक हम जल्दी से पकौड़ा फ्राई कर लें, उसके बाद मतलब उसी में रेडी भी होंगे, मतलब एक तरफ फ्राई होगा, एक तरफ रेडी भी हो जाएंगे। आप लोग को दिखाते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग कल मेरे ब्लॉग पे कमेंट किए हो और कल एक नए आदमी आए मेरे ब्लॉग पे और कमेंट किए हैं, तो थैंक यू भाई, जो भी हो आप ऐसे कमेंट करो मुझे प्यार प्यार से, ठीक है। मैं आप लोग के लिए ऐसी बहुत सारे रहूँगी। और कुछ अच्छा देखना चाहते हैं आप लोग तो मुझे बताना, प्लीज़ बताना, ठीक है। बताओगे तो फिर मैं समझ जाऊँगी। ओके भाई, बताओ भाई बहन जो भी हो, बताओ सबको ही। और अभी फिलहाल तो मैं थोड़ा सा अपना ये खाना का प्रोसेस कर रहा हूँ, मुझे भूख लगा है ना, तो पकौड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं गर्म गर्म रहेगा ना तो क्रंची लगेगा और वो नरम हो जाएगा, फिर ठंडा होने से नरम हो जाएगा, इसीलिए नहीं तो इसको भी बना के रख देते, इसको नहीं बना सकते ना, तो इसीलिए तो पहले खा लेंगे, उसके बाद सब चीज़ छोड़ के पहले वीडियो बनाएंगे, इसके बाद फिर घर का है ना, पहले पेट देखना चाहिए ना। तो वैसे भी जिसे खाना पसंद होता है ना वो ना ज़्यादातर भूखा रहना पसंद नहीं करते। और कल भी हम सुबह में पता है सिर्फ पूरी खा गए थे, रात को 12 बजे खाना खाए एक ही बार, और बीच में वही लड्डू खाए थे, कुछ नहीं खाए थे। और आज भी सुबह में एक रोटी खाए और आज भुजिया भुजिया बनाए हैं, थोड़ा दो रकम का आलू का भुजिया, सब्जी का भुजिया, तो वही भुजिया और एक रोटी खाए हैं, बस वही खाए खाए। अभी 3:30 बज गया है तो भूख लगी, सोचे पहले खा लेंगे, तो अगर रेडी होने चलेगा ना तो फिर लेट हो जाए। वैसे फिर जैसे ना अच्छा नहीं लगता, भूख लगा रहता है, इधर से फिर वीडियो बनाओ है ना, इसीलिए तो हम मतलब मुझे भूख ना अभी ज़्यादा लगने लगा है। बाबू होने के बाबू जब से आई ना तब से जैसे एक तो प्रेगनेंसी में तो भूख लगता ही है, और मेरा प्रेगनेंसी में मुझे भूख लगता था ज़्यादा, तो उस टाइम से जो मुझे खाना का जो मतलब एक तो नहीं होता खाना चाहिए मुझे, लव खाना से जो प्यार हो जाता है वो हो गया मुझे, तो मुझे खाना से प्यार हो गया। बताओ किस स्टाइलिश बात, स्टाइलिश क्या यूनिक बात मुझे बताओ, तो ऐसा प्यार हो गया ना सच में कि हम भूखा नहीं रह सकते, मुझे खाना चाहिए ऐसा बात। तो इसीलिए और कल का दिन भी वैसे ही किया था, नहीं खा के हम इसीलिए ना पूजा वूजा उपास वाला पूजा ज़्यादा नहीं करते, एक ही करते हैं, वो भी हस्बैंड के लिए है, वो बाबू के लिए भी उसी दिन करते हैं, मायरा के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, पूजा जो भी है दिल से एक ही करते हैं, वो तीज है, ठीक है। और तीज आएगा तो फिर आप लोग को भी दिखाएंगे, ठीक है, व्लॉग में कैसे करते हैं हम तीज। वो तीज होता है ना क्या, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसा पूजा रहता है, पता ही होगा ना आप, जब करेंगे तो फिर दिखाएंगे आप लोग। और हम लोग का एक छठ पूजा भी आ गया चैत महीना का, छोटा वाला छठ पूजा आ गया, मेरी मम्मी करती है, लेकिन मतलब मेरी मम्मी ससुराल में होता है पर दूसरा वाला होता है, वो कार्तिक वाला बड़ा वाला छठ पूजा होता है, बड़ा वाला मेरे मम्मी भी करती है, और छोटा वाला नहीं करती है इसीलिए कि बोलती है कि साल में 2-2 बार छठ पूजा ना मतलब शाम हो जाता है ना, एक भूखा रहना, 3 दिन तक नहीं खा के रहना, फिर बॉडी का पूरा लग जाता है, वही एक साल में एक बार करती है ना, एक महीना तक दोनों तरफ घर में बीमार, इसीलिए हम भी ज़्यादा पूजा नहीं करते अभी। अभी एक ही क्या है भाई, इतना उपवास करने लगेंगे अभी से तो फिर शरीर पूरा बर्बाद हो जाएगा, वैसे सर चक्कर देना, गैस होना, ये सब चालू हो जाएगा। हाँ रुको, तो चलो पहले मैं थोड़ा सबको अभी बुला रहा सबको, मुझे पहले अंदर जाए या फिर ब्लॉगिंग में बताते। तो ये गाइस हम अभी आधा रेडी हो चुके हैं, देखो बोले ना बनाते बनाते हम रेडी हो जाएंगे, अभी भी बना नहीं है, देखो इनकम्प्लीट है, बन रहा है, इतना ही फ्राई हुआ है, अभी दूसरा बार डाले फ्राई हो रहा है,
रेडी हो गए, एक तरफ से आधा रेडी हो गए, बिंदी लगा लेते हैं, खाना खा के लिपस्टिक लगाएंगे, फिर रील्स बना लेंगे, फिर आपको के लिए ब्लॉग शूट करेंगे। ठीक है, ब्लॉग शूट क्या होता है दिखा रहे भाई। चलो देखो रेडी हो गए ना, इसके नीचे हम जो प्लाजो पहने, पता नहीं कैसा लग रहा है, अद्भुत लग रहे हैं। इसके इसके ऊपर ना एंकल लेंथ पैंट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अभी एंकल लेंथ पैंट हम बाबू बहुत हड़बड़ में है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे भी वो खाली खाना खाएंगे चले जाएंगे, ऐसा हड़बड़ में। तो इसीलिए पहले जल्दी जल्दी जो भी ना पहन पहन दिए सामने में। तो चलो और भी नया सूट है, वो सबको ओपनिंग करेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, कुछ है तो इसीलिए नया नया तभी पहनेंगे, कुछ है आप लोगों को बोले पता नहीं किस चीज़ को याद है, तो जब वो होगा वो टाइम आएगा जब तभी नया नया सूट निकालेंगे। अभी भी दो सेट है तो उसको निकालेंगे। ये चल रहा है मेरा, अभी कुकिंग हो ही रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, पता है गर्मी में ना मसूर दाल का पकौड़ा बहुत मज़ा आता है। हाँ, एक कुछ लिया, तेल कम देके फ्राई कर रहे थे हम, मेरा गिर गया पता है ओवन के पीछे, तो तेल कम देके फ्राई कर रहे थे इसलिए ना कि तेल बच जाएगा। मेरा खाना बन चुका है, खाना मतलब भुजिया एक्स्ट्रा बना चुके हैं, रात के लिए भी बना चुके हैं, तो खाली गर्म कर लेंगे, तेल बचेगा ना तो वो फिर एक पकौड़ा छाना तेल ले जाएगा, अच्छा नहीं लगता है ना। और दूसरे दिन बनाने जाते हैं ना तो डब्बा में से डाल देते, वो कटोरी वाला याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल लें, बनते बनते खत्म हो जाए, ऐसे करके डाल दें। बाबू पता है खा के सो भी गई, हाँ बच गया। बहुत कर कर बना है, बाबू से पूछते हैं, बाबू बता। क्रंची क्रंची अच्छा टेस्ट है, सब कुछ बना के खाओ गाइस। पहले भी आप लोगों को बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ मेन्यू अगर जानना हो ये कैसे बनता है तो रेसिपी पूछो, आप लोग के बहाने मुझे भी अच्छा अच्छा चीज़ खाने को मिलेगा। आप लोग कमेंट चैनल नहीं है, कुकिंग चैनल नहीं है, बनाते बनाते जो कर उसमें दिखाएंगे, स्पेशली किसी को नहीं दिखाएंगे। उसमें पहले खा लेते हैं उसके बाद फिर दिखाएंगे। तो ये गाइस रील्स दो बना है और एक रील्स मेरे आईडी पे पोस्ट किए हैं और एक रील्स बाबू का आईडी पे पोस्ट करेंगे जो बाबू के साथ बनाए हैं। रेडी नहीं हुए पता है, सिर्फ लिपस्टिक लगाए और कान का पहने हैं, वैसे रील्स बना लिए हम फटाक से बाबू के साथ। पता है कितना सारा गाना चूज करके रखे हैं जो हम बाबू के साथ ही बना सकते हैं सिंपल। मुझे सिंगल नहीं बनाना, बना सकते हैं पर मुझे सिंगल नहीं बनाना है, बस इसी चीज़ का मुझे अफसोस हो रहा है, बस बाबू नहीं रह पा रहे घर में, टाइम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे। पता है बाबू जितना बिजी रह रहे हैं ना, अगर हम अकेला रहते ना घर में ना तो या तो हम लोग में झगड़ा हो जाता है, पता है बहुत ही अकेला रह रहे हैं। ये तो अच्छा कि हम यूट्यूब में कुछ कर रहे हैं, इंस्टा पे कुछ कर रहे हैं, बोल के हम बिज़ी रह रहे हैं। पता है हम अभी से अगर हम यूट्यूब इंस्टा नहीं करते ना तो हम अभी से घर में बैठे ही रहते, सिंपल खाना खाए बाबू गए बर्तन धो के घर में बैठे रहते, बस ये जो कर रहे हैं ना तो वीडियो बनाना एडिट करना डालना ये सब करते करते ना मेरा मतलब रात हो जाता है पूरा। तो बोल के झगड़ा क्या, झगड़ा भी नहीं होता, बात भी नहीं उठता, बात करने के लिए बस हम लोग मौका खोजते हैं कि थोड़ा सा रहे मौका, मतलब मौका क्या बनाए। एक जो रील्स में जितना सेकंड का जो टाइमिंग का जो डायलॉग्स था गाना था उतना देरी अभी वो मेरे साथ बस थे, वो भी मुंह में मतलब खाना चल रहा था पानी पी रहे थे एक तरफ से, बस उसी में करते करते किए। बहुत ज़्यादा बिजी हो गए बाबू अभी, बहुत ज़्यादा बिजी तो थे पर अभी कुछ ज़्यादा बिजी हो गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हमको ना मायरा को, नहीं रहते अच्छा नहीं लगता। बताओ अभी अभी कितना टाइम हो रहा है, देखोगे 4:30 हो रहा है, थोड़ा देर पहले ही बोले ना, अभी देखे आधा मतलब पकौड़ा बनाए, ज़्यादा पकौड़ा बनाए भी नहीं, आधा ही बनाए उनको खाने दिए और हम भी खा लिए, सनसन बहन के लिए छोड़ दिए, अभी सो रही है बोली नहीं खाएंगे, तो उसका वाला छोड़ के फिर हम अपने लिए सिर्फ मतलब हम लोग खा लिए उसके लिए रखा हुआ, उठेगी तो उसके लिए गर्म गर्म फ्राई कर देंगे, अच्छा नहीं लगता, वो भी सो रही है, वो भी क्या करेगी, वो भी अपना लाइफ में अभी उसका भी काम बंद चल रहा है, तो ऐसी बैठी हुई है अच्छा नहीं लगता ऐसे ना। चलो छोड़ो, अभी सोचे थे थोड़ा बनाते बाबू के साथ रील्स, बनाते नहीं ना थे, अभी बनाने लगे ना तो अच्छा लगने लगा मुझे ये सब चीज़, थोड़ा अच्छा लगने लगा,
इससे क्या होता है ना कि अगर आप कपल्स बैठे भी रहोगे ना तो क्या होता है ना, बात करते करते में कुछ ऐसा बात हो जाता है ना कि झगड़ा ही होने लगता है ज़्यादा भी ओवर होने से। ये बात है, पक्का है। हस्बैंड वाइफ में प्यार रहता है लेकिन जब आप कुछ ज़्यादा ही रहने लगोगे ना फिर झगड़ा ही होने लगता है कि आपके पास काम नहीं है, आपका कोई और काम नहीं है, जाओ ना, मतलब देखना हो ही जाता है। और अभी सच में ना ऐसा लग रहा है कि वो रहते थोड़ा देर घर में, थोड़ा रील्स बनाते। और रील्स बनाने में क्या होता है ना कि इसमें झगड़ा नहीं हो पाता है, बस बाबू को तो ज़्यादा मतलब एक्टिंग उनको अच्छा लगता है लेकिन वो इंस्टेंट अभी नहीं कर पाते। तो मेरा क्या है ना, करते करते अभी हम कैसा टाइप का हो गया ना कि फटाक से एक म्यूज़िक बनता है ना, मैंने बज रहा है और फटाक से दिमाग में चल जाता है कि इस पर मुझे क्या करना है। हम जिस टाइप का करते हैं उस टाइप का करते हैं, हम ओवर डांसिंग वाला नहीं करते क्योंकि मुझे डांस पसंद है, डांस कभी किए नहीं, आता नहीं है, बस जो करते हैं वैसे करते सिंपल सा करते हैं। तो बस वो मेरा चल जाता है कि मुझे क्या एक्टिंग करना है, सोचो क्या क्या। तो बाबू वही मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग में तब झगड़ा नहीं होता क्योंकि हम बताते हैं तो बाबू करते हैं वैसे। तो चलो बाबू बोले थे क्या कि रेसिपी के बारे में, रेसिपी इसीलिए नहीं बताएंगे, पता है क्यों? कमेंट के हिसाब से एक भाई कमेंट किए थे, भाई भैया कमेंट किए थे कि चिकन भरता रेसिपी बताओ, ठीक है। हम तो बना दिए, वो देख लिए, लेकिन वो वाला वीडियो ज़्यादा इंसान नहीं देखे। जाओ सब अभी के अभी जाओ, वो वाला मतलब पीछे में बना हुआ है, मतलब उस टाइम पहले का वीडियो है, उसे जाके पहले आप लोग देखो, चिकन भरता रेसिपी देखो, उसके बाद ही मुझसे फिर कुछ पूछिएगा रेसिपी, ठीक है। नहीं तो हम जो खाएंगे ना वही दिखाएंगे, बना के नहीं दिखाएंगे, बदमाश हो गया। चलो देखो और क्या करते हैं अभी से बैठे बैठे। हमारे को साइकिल भी सिखाना पड़ता है, पता नहीं साइकिल दर्द कुछ दिन सिखाए थे और अभी साइकिल नहीं सिखा पा रहे, बहुत इसके साइकिल सिखाने के पीछे बहुत खटनी है। मेरा खुद का एक्सरसाइज हो जाता है, इतना एक्सरसाइज ना कि हम कुत्ता की तरह हाँफते हैं हाँ करके, वो भी पता है सांस नहीं ले पाते, इतना हफा देती है साइकिल, लगता है उसको सिखाना कम धक्का मारते हैं हम ज़्यादा। तो चलो ये लोग उठती है, उसके बाद कुछ दिखाते हैं, तो उधर बाद ही मिलते हैं, गर्मी लग रहा है। माँ बेटी का प्यार हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? बाबू प्यार ले रही है, बाबू प्यार ले रही है। अरे बाबा, हेलो बाबा, ओए यो, हम बीच में नहीं है ना, गंदी बात। बाबू बड़ी हो गई है ना, बाबू का हेयर कटिंग का जब का है, लेकिन ओली बाबू हमें भी जरा बोलिए आई लव यू, परी बोलो आई लव यू। जी बाबा किधर बोलिए बाबू, चलो पकौड़ा खा लो आप भी, चलो 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 उठो, गर्मी लग रही है यहाँ पे, फैन ऑफ हो गई है, जल्दी उठो, बाय 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 बाय। अरे बाबा